अज़बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ महमूद हैदर। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़। और नाजरीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि साद रिजवी ने मस्जिद रहमतुल आलमीन में खादम रिजवी साहब के उस पे उर्स के मौके पर बड़ा धुआंधार खताब किया है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल जो है हुकूमत को टफ टाइम देने की बात की है, और उन्होंने कौम से वोट मांग लिया है, और उन्होंने कहा है कि जो आपके बैलेट पे बॉक्स हैं वो भर जाने चाहिए, अब वोट चाहिए कौम से। उन्होंने कौम से दरख्वास्त कर दी है, और वो बड़ी आबोताब से और दबंग तरीके से जो है उन्होंने फैसला किया है। उनका खिताब ये बता रहा है कि उन्होंने फैसला किया है कि वो जो इलेक्शन है आने वाला, उसमें बड़े ज़ोरदार तरीके से वो शमूलियत इख्तियार करेंगे, और किसके साथ वो मिलते हैं किसी के साथ और किसके साथ नहीं मिलते हैं, और किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करते हैं या अकेले ही मैदान में उतरते हैं और जो है ना मैदान मार लेते हैं, या जो भी सूरत हाल होती है वो सामने आ जाएगी। तो अभी आपको हम सुना रहे हैं साद रिजवी साहब का खताब, मुलाहिज़ा कीजिए। माल देने के बाद, जान देने के बाद, औलाद देने के बाद वो आकर फिर बैठे हैं कि हाफिज साहब हमें ये बताएं 23 में करना क्या है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने एतमाद किया, कोई कमी तो नहीं हुई। आपने एतमाद किया, कोई कमी नहीं हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, आखिरी कारकुन तक। उम्मत की बात कर रहा हूं, आपसे नहीं बात कर रहा कि आपने एतमाद, पूरी उम्मत ने एतमाद किया ना आप पर कि ये नामूस रिसालत पर पहरा देंगे, ये खत्म नबूवत पर पहरा देंगे, सब पर, ऊपर से लेकर नीचे आखिरी शख्स तक। किसी ने कोई बदयानती नहीं की, एतमाद पे पूरा उतरे। अब हमारा आप पर एक एतमाद है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। अगर दुनिया कहती है ना कि जनाब ये जो आशिक है ना, ये जो बात करते हैं करके दिखाते हैं, तो मैं आपसे फिर ये कहता हूं कि कागजों का वजन इतना बढ़ाना है कि इनके हाथ उठा ना सकें, इनके कंधे भी ना उठा सकें। क्या कम पड़े क्या ज्यादा हो मैं नहीं जानता, मैं कहता हूं कागजों का वजन इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि कोई बाजू उठा ना सके, कोई बाजू बढ़कर चुरा ना सके, कोई उठा भी ना सके, कोई चुरा भी ना सके। बस इतना ही कहे कि ये तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। बस मेरा आपसे तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के लिए आलम इस्लाम की जितनी भी शख्सियात ने, वो सियासी हों या मजहबी, मुफ्ती सरमाया दीन व मिल्लत हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लेकर नीचे तक, जिसने भी जो सही की, हमारा सबका उनको लिए खराज अकीदत है, सब के लिए जो भी थे जिन्होंने भी इखलास से जो कुछ किया, अल्लाह ताला उन्हें दीन व दुनिया से कि नेमतों से मालामाल करे। हमने आगे चलना है, रास्ता नहीं बदलना है, मंजिल तो दूर की बात, रास्ता भी नहीं बदलना, क्योंकि हमारे बाबा जी कह कर गए हैं कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए
जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, जिनसे होकर लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह को नस्बत है कुछ उस शाख से, आह को नस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। एक बदर के लिए बुलाया गया था ना, आह को नस्बत है कुछ उस शाख से, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को नस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए, और पहचाने गए। एक सदा यही आई थी कि बिलाल सदा दो, बदर का मार्का तैयार है, और एक रहमतुल्लाह अलमीन से सदा आई कि आओ नामूसे रिसालत के लिए, खत्मे नबूवत के लिए, दीनों मिल्लत के लिए कुर्बानी की जरूरत है। तो आह निकली और उस शाख पहचाने गए, पहचाने गए कि कौन कौन उस शाख है, और कयामत तक पहचाने जाएंगे, कयामत तक पहचाने जाएंगे। इकबाल कहता है मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल देते हैं शराब आखिर, और मैं उनको उन कमज़ोरों को कहना चाहता हूँ, वो ताकतवर तो है ही नहीं, उन कमज़ोरों को कहना चाहता हूँ जिसकी फिक्र कमज़ोर हो, जिसका नज़रिया कमज़ोर हो, उसके हाथ में एटम बम भी हो तो वो क्या है, उसके हाथ में कायनात की सारी ताकतें भी हों, दौलतें भी हों तो वो क्या है, जिसका नज़रिया ही कमज़ोर हो, जिसकी फिक्र ही बोसीदा हो तो वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके दोनों हाथ खाली भी हों, उसके सीने में फिक्र हो, वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता। मैं ताज वाले से बात कर रहा हूं, आप समझते हैं ना ताज वाला, वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता, जनाबे आली ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। ये याद रखना, तुम्हारा बेतलबों से राह पड़ा है, और जनाबे ताज वाला, जनाबे ताजे वाला, जनाबे ताजे वाला आपका बेतलबों से फटा पड़ा है, बल्कि सामना हुआ है। ना ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है, वो ताजदार है। आप क्या समझते हैं कि जिनकी आपने सांसें ले ली, जाने ले ली, उनसे आपने कुछ छीन लिया है, वो बैठे हैं पहली सफ में, आपका क्या गया है जी, कुछ गया है? हमें तो सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ मिला है, उन्हीं के सदके मिला है, उन्हीं को दिया है, कुछ नहीं गया हमारा। हमें भी ले जाओगे तो हम भी तैयार हैं, कमी तो कोई नहीं है, एक ही बात है, बस ये है कि कोई अव्वल है कोई आखिर है। सोजो तबियत तबो ताब अव्वल है ना, और सोजो तबियत आब आखिर है, वही ख्वाहिश अव्वल हो गई है, वही ख्वाहिश आखिर तक है। और जनाबे ताजे वाला क्या दबदबा है नादिर, क्या दबदबा है नादिर, क्या शौकत है तैमूरी। जनाबे वाला मैं आपसे अर्ज करता हूं कि क्या दबदबा है नादिर, क्या शौकत है तैमूरी, हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैं ना बाखिर। और आप ये कहते थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है कि हम उधर गए रात थी, इधर आए सुबह, फिर चले जाएंगे उधर, फिर आएंगे सुबह होगी, क्या होगा। इकबाल कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छुटने को है बिजली से आगोश सहाब आखिर। सारी बातें हैं, बड़ा एक समंदर है और मौजे मार रहा है, किस चीज की, पानी की नहीं, उन शहीदों के खून की मौजे लग रही हैं। लेकिन अल्लामा फरमाते हैं था जब्त बहुत मुश्किल इस सैले मानी का, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। वाखिर दावाना।